अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और शफकत भाई बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अभी हम मौजूद हैं जी जोराबाद में, और आज हमारा प्लान कहाँ का है भाई? लाहौर की तरफ। आज हमारा प्लान है जी लाहौर की तरफ, और ये भाई आपको बताएंगे कि आज हमने लाहौर में किस जगह जाना है। हमारा ये लाहौर का प्लान आप दोस्तों के लिए काफ़ी अरसे से बना हुआ था, कि करोना वायरस की वजह से हमने स्टॉप लगाया हुआ था, तो आज हम जाने लगे हैं। आज है 27 तारीख, 8वां महीना 2020 जी। तो हम जाएंगे सोजो वाटर पार्क, चिड़ियाघर, दाता दरबार, बादशाही मस्जिद, शाही किला। तो आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें जी, और सीन्स जो हमारे होंगे वो एंजॉय करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे, चलें हमारे साथ। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त खुशाब पहुंच गए। तो अभी हमने ये पीछे टोटल पंप पेट्रोल है, तो इससे हमने टैंकी फुल करवाई। तो अभी हमारा सफ़र रवा दवा है, तो आप दोस्त हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको हमारे साथ सफ़र का मज़ा आए। चलें भगवान भाई। हम खड़े हैं जी जाल चकियाँ, यहाँ पे हमने ब्रेक लगाई है, नमाज़ पढ़ी है, थोड़ा रेस्ट की है। तो अभी टाइम क्या हो गया गफरान भाई? अभी तकरीबन हो गए जी 9:30 हो गया, तकरीबन 9:30-10 का टाइम हो गया, 9:45 हो चुके हैं अभी, तकरीबन 9:45। तो बारिश बड़ी हल्की हल्की हो रही है, तो हम आगे शहर में जाएँगे, वहाँ से थोड़ा खाना खाएंगे, उसके बाद हम अपने सफ़र की तरफ रवाना दवा रहेंगे। तो अभी हम जाल चकियाँ में आप ये जाल चकियाँ आपको दोस्तों को दिखाएं दिखाते हैं जी। ये बड़ा मशहूर होटल है, तो ये आप देखेंगे ये मस्जिद है, यहाँ नमाज पढ़ी है। ठीक है जी, चलें चलें अभी जी बस चलते हैं। चलें मैं गाड़ी थोड़ा चला लूँ।
अच्छा तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जी मोटरवे पे। मोटरवे पे सबसे पहले एक रेस्टोरेंट आता है, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप भी आप पीछे देख सकते हैं, वो पेट्रोल पंप है आप देख सकते हैं। तो पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल डलवाया और रेस्टोरेंट बिल्कुल हम सामने खड़े हैं। लेकिन जैसे कि पिछली वीडियोज़ में हमने बात की थी कि अपना रिफ़्रेशमेंट का सामान आप जो है मोटरवे पे जाने से पहले लेकर दें, तो आपने क्या किया इस दफ़ा बताएं जी? हम इस दफ़ा यहाँ पे रुके तो हैं तो सिर्फ आराम करने के लिए। हम अपना खाना सरगुजा से पैक करवाया, तो जो हमने पीछे वीडियो में दिखाया है हमने खाना खाया वहीं से हमने पैक करवाया। तो आप जब भी मोटरवे पे चढ़ें अपना खाना साथ लेके, तो यहाँ पे काफ़ी महंगा होता है और इतना मयारी भी नहीं होता, वहाँ से आपको अच्छा और मयारी भी मिल जाएगा। आप पैक करवाएं यहाँ पे स्टे, तो हमने अपने हिसाब से तो पैक करवा लिया ना जी। तो ये जितने आप लोग हों उस हिसाब से आप पैक करवाएं, यहाँ पर आप आएँ बस रेस्ट करें। अभी हम ज़हनी जो सुकून होता है जी भाई, आप बताएं ड्राइवर के लिए ज़हनी सुकून जो है वो कितना ज़रूरी होता है? बिल्कुल ऐसी बात, हम अभी आधा घंटा यहाँ पर स्टे करेंगे और उसके बाद हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله. अभी दोस्तों हम निकलने लगे हैं यहाँ से, हमने काफ़ी देर आराम किया, तो आराम करने के बाद अब ड्राइविंग सीट पे महागुरु हमारे प्यारे गफरान भैया पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं इनकी ड्राइविंग। इन्होंने आज मुझे काफ़ी थकाया है, तंग किया है, तो मैंने कहा नहीं भाई, तो अभी इनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे गाड़ी इनसे हम चलवाएंगे और मैं थोड़ा सा आराम करूँगा। तो सफ़र हम जब भी करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, पूरी रात ही सफ़र में गुजारते हैं, काफ़ी सारी बातें करते हैं, तो इसके अलावा
बड़ा अच्छा है। अभी हम ये निकल रहे हैं तो मोटरवे सामने आ गई है। अभी दोस्तों हम मोटरवे पे गुफरान भैया गाड़ी ले जा चुके हैं। ऐसा जो है ज़बरदस्त यहाँ पर आप। दूसरी बात एक मैं ये कहना भूल गया हूँ कि आप जब मोटर वे पे चढ़ें तो दरमियान वाली लाइन आपके लिए बहुत ईजी रहेगी कि एक तो क्रॉसिंग का मसला नहीं रहेगा और दूसरा आप नॉर्मली ईजी चलाते रहें। तो दोस्तों इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, हमारी पूरी वीडियो को आप देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो है लाजमी हमें हमारी हौसला अफजाई करें। तो बहुत शुक्रिया।